हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। अभी जो एक बीच में नोटिफिकेशन आया है वो है मास का, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसमें कुछ वैकेंसीज निकली, तो पहले मैं सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें जो वैकेंसीज है वो जो अप्रेंटिसशिप जिनका है हुआ उनके लिए है अच्छा खासा। दूसरा डिप्लोमा भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से भी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अलग अलग ब्रांच के लिए। ओके, तो एक ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी ये जो पीडीएफ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी वहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। तो 11 जून स्टार्टिंग डेट है, अभी 3 दिन से शुरू हुआ है फॉर्म, 4 जुलाई तक भर सकते हो। अच्छी खासी वैकेंसी है बहुत सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। जो जो है कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन में जाके देख लेना, ठीक है। तो जैसे कारपेंटर, जैसे डीजल क्रेन ऑपरेटर, बाद में जो ये जूनियर ड्राफ्ट्स मैन जो रहते हैं 52, यहाँ पे निकले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिविल के लिए 2, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये बहुत सारे पोस्ट अलग अलग के लिए वैकेंसी। बाद में जो क्वालिटी कंट्रोल है, इंस्पेक्टर होते हैं जूनियर, ओके, वो मैकेनिकल, मतलब वो डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग बेसिस पे होते हैं। बाद में जो प्लानर एस्टिमेटर होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे भी डिप्लोमा और डिग्री चाहिए। और बाकी ये फिटर वगैरह, ये जो भी आप अप्रेंटिसशिप अगर आपने कहीं की है, सर्टिफाइड है आपके पास, तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो ओवरव्यू में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसीज है वो बहुत सारी है, मतलब ये देखोगे आप, पाइप फिटर 140, पेंटर है 200, तो इसमें आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला तो है ये, ओके, मैकेनिक, तो इसके लिए भी उन्होंने दिया है कि आपका SSC मतलब 10वीं पास और एक वायलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दी गवर्नमेंट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप। जैसे मैंने बोला, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होगा या फिर SSC होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे अटेंडेंट, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिखेगी कि ओके, हु हैव पास्ड SSC एंड NAC इन मैकेनिक एंड इस मिलराइट मैकेनिक और मैकेनिक मशीन टूल, ओके। उसके बाद में कारपेंटर एट स्टैंडर्ड, और ऊपर से अगर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद में चिपर ग्रिंडर, उसके लिए भी SSC दिया है। बाद में वेल्डर, अगेन 8th और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ओवरऑल ये कहना है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है आज तक, तो उनको ये फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, उनका सर्टिफिकेट अगर उनके पास होगा। बाकी और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो मेन मैंने बाकी आप जो भी PDF में पढ़ लेना, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ड्रॉट्समैन जो है उसके लिए भी मैकेनिकल ट्रिम के लिए यहाँ पे दिखोगे आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और आप SSC पास होने चाहिए, और नहीं तो फिर आपका सर्टिफिकेट जो है मैकेनिकल स्ट्रिप पे होना चाहिए। बाद में सिविल के लिए भी सेम क्राइटेरिया, बस सिविल में होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन का भी SSC पास और मतलब अगेन अप्रेंटिसशिप, आपका अगर सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन का तो आप चल वो भी चलेगा, 10th नहीं होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में सेम मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, दैन फिटर, सेम क्राइटेरिया। उसके बाद में जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैंने जो बोला जूनियर, वहाँ पे आप देखोगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल और मरीन और शिप बिल्डिंग, बिकॉज ये शिप बिल्डिंग का ही है, तो अगर इसमें है तो आप एलिजिबल हो। बाकी वैकेंसीज तो मैंने ऊपर आपको दिखा दी है। उसके बाद में गैस कटर, अगेन सेम आपका सर्टिफिकेट, मशीनिस्ट, ओके, सर्टिफिकेट चाहिए सारी चीज़ों के लिए, वही अप्रेंटिसशिप, आपका सर्टिफिकेट, ये सारे ट्रेड्स बोल सकते हैं उसमें अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप SSC हो तो भी आप एलिजिबल हो, ओके, बहुत सारे पोस्ट के लिए। बाद में जो स्टोर कीपर है वहाँ पे वापस से आपका टेक्निकल डिप्लोमा, अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, शिप बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसमें होगा डिप्लोमा तो आप एलिजिबल हो, और आपका नॉलेज आना चाहिए आपको कंप्यूटर का, ये प्रेफर किया जाएगा। फिटर का भी वैसा ही है। प्लानर एस्टिमेटर जो मैंने बोला, वहाँ पे जो है आपकी डिग्री चाहिए, मतलब डिप्लोमा उसमें था स्टोर कीपर और बाकी इसमें या क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में, लेकिन जो प्लानर एस्टिमेटर है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे अगर जिनकी BBTech हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके, बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद पैरामेडिक्स, ओके, ये भी ठीक है, ये भी लगभग वही क्राइटेरिया है, ओके। तो
ओवरऑल तो मैं यही चीज़ बताऊंगा, और उन्होंने कुछ बताया भी है कि सब डिसिप्लिन जो है बाकी ब्रांचेस कौन कौन अप्लाई कर सकता है सिविल में, कौन कौन इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में, तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हो। बाद में जो भी ग्रुपिंग होती है, मतलब कन्फ्यूजन ये होता है कि अभी मशीनिस्ट बोला तो किस में चाहिए सर्टिफिकेट, तो उसका भी सब ग्रुप होता है कुछ, तो उसके हिसाब से आप अगर आपका इन सारे इसमें है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो उसके बाद में जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई एक्सपीरियंस बेसिस पे आता है तो उसके एक्सपीरियंस को एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे यहाँ पे, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पे उन्होंने चार्ट भी दिया है, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स बहुत सारे मिल सकते हैं अगर आपका उस हिसाब से एक्सपीरियंस है। ओके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल तक। ओके, पे स्केल दिया है। ओके, दोनों के लिए, मतलब स्किल और सेमी स्किल वालों के लिए, तो अच्छा खासा पेमेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा पेमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 30-32 होता है, यहाँ पे 38 है, बहुत है, बहुत अच्छा है। 18 से 38, मतलब 18 जो होगा जस्ट पास SSC या फिर उसके पास सर्टिफिकेट होगा किसी ट्रेड में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और 38 मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि 3 साल तक रहेगा। ओके, 3 साल तक रहेगा, और अगर रहा एक्सटेंडेड, एक्सटेंड हो सकता है तो वो 1 बाय 1 ईयर हो सकता है बाद में। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, रिटर्न टेस्ट। ओके, उसके बाद में उसका जो भी स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी डन इन द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो पहले आपका होता है रिटर्न टेस्ट, और एक्सपीरियंस मार्क जैसे ऊपर मैंने बताया वो सारे काउंट करते हैं, मतलब आपका रिटर्न टेस्ट और एक्सपीरियंस वाले मार्क्स काउंट करके आपका होता है शॉर्टलिस्टिंग। उसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट, मतलब जो भी ट्रेड में आप अप्लाई किए उसका टेस्ट होगा, उसको जैसे हम प्रोफेशनल नॉलेज भी बोल सकते हैं। सो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइन ऑफ रिटर्न टेस्ट, एक्सपीरियंस और ट्रेड वाली टेस्ट, मतलब आपको तीनों इसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए तो आप मेरिट लिस्ट में आगे जाओगे। तो सो ये भी है डिपेंडिंग अपॉन अच्छे खासे वैकेंसी, तो हु अप्लाइड फॉर दी अबाउट द पोस्ट, ओके, उसके हिसाब से आपको वो लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, बाद में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, 30% वैटेज इन्होंने दिया है, मतलब जो भी है वो है आपका मतलब एक्सपीरियंस। ओके, उसके लिए 50%, और 30% वैटेज आपका है रिटर्न टेस्ट। ओके, अगर आपका शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो इन केस नो शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट देन 50% शुड बी गिवन टू द रिटर्न टेस्ट, अगर नहीं है, और अगर है तो फिर 30%। उसके बाद में एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग तो जैसे तो बोला ही है, तो आपको यहाँ पे 20% और मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वैटेज यहाँ पे 20% उनको दिया गया, मतलब जिनका एक्सपीरियंस है उनका ज़्यादा चांसेस है मेरिट लिस्ट में आने के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड है, आपके ट्रेड टेस्ट पे भी डिपेंड है। ट्रेड टेस्ट तो दोनों के लिए देनी है, अगर आपका नहीं है तो 50%, वैसे भी यहाँ पे भी 50% आपको चाहिए। उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए है, जो भी है इम्पोर्टेंट तो यही है। अगर आप सीधा तीन कैटेगरीज में बताता हूँ, एक तो SSC, और अगर अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सब चीज़ें चाहिए। आप अगर 8th का स्टैंडर्ड भी दिया उसके तरफ हो तो भी आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में आपने अगर डिप्लोमा तक अप्लाई किया है, डिप्लोमा बेसिस पे कोई पोस्ट के लिए, तो आपको डिप्लोमा के, 10th के आपके सब सर्टिफिकेट चाहिए, और बी के है तो बी के चाहिए, और अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया तो भी आपका 12th का लगेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जैसे उन्होंने बताया वो इम्पोर्टेंट है प्रूफ, क्योंकि 38 ईयर्स तक है तो वो तो चाहिए। ऑप्शंस दिए उन्होंने, 10th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th के लिए अप्लाई वाले भी है तो फिर उनका लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, उसमें नाम होना चाहिए बस। उसके बाद में अगर आपने जैसे मैंने बोला डिप्लोमा डिग्री के लिए, तो आपका जो भी सेमेस्टर होगा उसके हिसाब से आपके सारे सर्टिफिकेट्स आने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर भी आपका लगेगा क्योंकि उसके ऊपर मार्क्स आपको, ठीक है। सो बाकी सब चीज़ें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका, वैलिडिटी चाहिए OBC वगैरह, कोई ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपका लगेगा। उसके बाद में जैसे मैंने बोला ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट 3 साल, बाद में एक्सटेंड हो सकता है 1+1 बेस ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो भी परफॉर्मेंस है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाउ टू अप्लाई सिंपल है, आप ये जो लिंक दिया है, ओके, माजगांव डॉक का,
उस पर जाओ और करियर में जाके आपको भरना है। तो ये जो लिंक है, जो भी लिंक है, मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उसमें से ही सीधा साइट पर चले जाओ और वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आपको ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट, वो भी स्कैन करके रखो। ओके, 100 रुपये फीस है, SC ST के लिए फीस नहीं है, और अच्छे से अप्लाई करो। ओके, और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे और जो भी नोटिफिकेशन नए नए आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, शेयर करो और लाइक करो। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी है फॉर्म के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल।